अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वब्बट की रेसिपी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को हमें नीट कर लेना है। आटा हमारा बहुत ही पतला और मुलायम होना चाहिए, ज़्यादा सख्त आटा नहीं होना चाहिए। आटे को मैंने यहाँ पर अच्छे से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला आटा गूंदा है। आप भी इसी तरह आटा गूंदिएगा। आटा अच्छे से गूंदने के बाद ऑयल ग्रीस करके हम इसको साइड में रख देंगे। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप चना दाल और थोड़ी सी तूर दाल ली है, उसको 4 से 5 सीटी में गलाकर ग्राइंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप शुगर, 3 से 4 कुटी हुई इलायची और 1 कप गुड़। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में आप इतना मज़ेदार वब्बट घर पर ही बनाकर खा सकते हैं, और कम से कम चीज़ों में, कम से कम मेहनत के साथ आप बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस वब्बट घर पर ही बना सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक वेजल में मैंने ग्राइंड किया हुआ चना दाल को ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 सेकेंड के लिए हम इसको पका लेंगे। 1 से 2 सेकेंड के बाद मैं यहाँ पर गुड़ को ऐड कर रही हूँ, साथ में शुगर और कुटी हुई इलायची को भी ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके हमें इसको अब पका लेना है। गुड़ और शक्कर अच्छे से मेल्ट होकर इसका थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा। हमें इसको अच्छे से, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। अगर आपको शुगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा शुगर या फिर पूरी गुड़ ऐड कर बना भी सकते हैं। हमारा हलवा तैयार हो गया है। चलिए अब वो बट बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। हमें इसी तरह का आटा होना चाहिए, क्योंकि हमें बेलने में वो बट बनाने में बहुत ही आसानी होगी। मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन कवर ले लिया है, इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर छोटी सी आटे की लोई रख देंगे, फिर इसके ऊपर एक और कवर रख देना है। हाथ से ही हम इसको स्प्रेड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको भी स्प्रेड कर लेना है। हमें इसको थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद इसके बीच में हम स्टफिंग को ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून हलवा ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हम पैक कर लेंगे। फिर से हम इसको राउंड शेप दे देंगे हाथ से स्प्रेड करते हुए। थोड़ा सा हाथ से स्प्रेड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक कवर को रख देंगे। हाथ से हम स्प्रेड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा आटा स्प्रेड हो रहा है। इसीलिए हमें सॉफ्ट मुलायम आटा चाहिए था। बिना बेलन के हाथ की ही मदद से आप आराम से स्प्रेड करके इसको मज़ेदार बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको तवे पर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से दोनों तरफ सिक कर पका लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोनों तरफ हमें अच्छे से सिकते हुए पका लेना है। मैं यहाँ पर घी को ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। घी को अच्छे से स्प्रेड करते हुए पका लेंगे। दोनों तरफ मैंने घी को ऐड कर लिया है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी या फिर बटर का ही इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा घी ऐड करेंगे उतना ज़्यादा खाने में आपको मज़ा आएगा। सेम उसी तरह से मैं दूसरी रोटी को भी
बना लूँगी हाथ से ही, इसको स्प्रेड करके सेंटर में स्टफ़ ऐड करके कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके फिर इसके ऊपर एक और कवर ऐड करके हाथ से इसे स्प्रेड करते जाएंगे। आपको इसे बनाने में इतना मज़ा आएगा, बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो कर ज़रूर बनाइएगा, आसान और मज़ेदार वो बट बनकर तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं एक और डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।